थोड़ा सा अपसेट हूँ, थोड़ा सा उदास हूँ, थोड़ा सा निराश हूँ, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चलती रहेगी। दुख हो रहा है कि लाइक्स नहीं आ रहे, लेकिन ये नहीं भूल सकता गलती भी हुई है। इतने टाइम तक सोशल मीडिया छोड़ के पोस्टिंग ना करके ख़ुद को शाहरुख खान समझ के कि जब दिल करे जब पोस्ट करूँगा और ऐसे लाइक्स की भरमार आ जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है कहीं पर भी। और जितना भी लाइफ में गया, जो भी अप एंड डाउन हुआ है, जितना भी डाउन से लेके मतलब जो कुछ भी हुआ वो मेरे हद तक था, और आप लोगों को जब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं मैंने क्या कुछ फेस किया। और वो चलो वो भी एक साइड में बात है, वो हर बंदा फेस करता है, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। बट मैंने सोशल मीडिया छोड़ा, ही मेरी गलती थी, लेकिन गलती इंसान से ही होती है। और मैं नहीं चाहता कि जितने लोग मुझे फॉलो करें, जितने लोग मुझे प्यार जो करते हैं, वो मुझे देख के ये ना बोलें कि यार ये भी तो हार, इसने भी तो हार मान ली थी। तो हार किसी को माननी नहीं चाहिए। जितने मेरे पास अभी हैं और जो फॉलोअर्स डेड हो गए, मैं आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं उन्हें वापस एक्टिव करके दिखाऊंगा और मैं कुछ अलग कंटेंट लाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आऊंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं लेके आ रहा हूँ, मैं अभी बराबर में जो चैनल है ना, तो आप इसको 600K कर दें। और इसी के साथ एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है व्यूज़ नहीं आने। तो और सेकेंडली लोग जो मुझे बोले व्लॉग नहीं बना रहे, तो यार मैं पहले भी टूर पे आया था, मैंने व्लॉग बना के एडिट करके रखे हुए, बट नहीं अपलोड करने का दिल कर रहा, क्योंकि मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा देखने में। और सेकेंडली ये कि कुछ लोग होते हैं जो जिस चीज़ के लिए नहीं बने होते ना, वो चीज़ नहीं करते। तो ये चीज़ मैंने पहले ही रियलाइज़ कर ली है, तो होप्स हो अगर दिल किया तो बना दूँगा, वरना ये है कि इस बात का मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि घर जा मतलब जैसे ही मैं हैदराबाद पहुँचूँगा वैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल वापस एक्टिव हो जाएगा। मैं उसमें कुछ और काम करना जो मैं चाह रहा था वो मैं करूँगा, तो उसमें सपोर्ट करेगा जब तक आप 600K कर दें। मुझे पता है व्यूज़ नहीं आने, फिर भी खैर दे रहा हूँ अभी 2022 अपना इंशाल्लाह। बस ऐसे ही सपोर्ट करें, और लाइक्स और ये रेस नहीं है मेरी कि मैं फॉलोअर या इनके पीछे भागूँ।